मैं आपको मुझे जैसा लग रहा हूँ, लेकिन भाई साहब ने समय से पहले मुझे बाप बना दिया। बहुत बढ़िया। मेरा मुन्ना, मेरी पत्नी मुझे मारती है, मैं खुद मारा मराया हूँ भाई साहब, मुझे क्या मारेगा। मेरी शक्ल देखो आप, आदरणीय नंद किशोर जी अकेला, विष्णु जी विश्वास और हम तीनों निम्बा हेड़ा के जंगलों में खुदाई हुई थी 2016 में। वहां तीनों वही निकले थे हम लोग। हमारा चेचे सपोर्ट नहीं करता कि हम कभी हैं साहब, लेकिन इन बड़े कवियों की अगुवाई में हम लोग कुछ सीखते हैं और कुछ कर पाते हैं। आदरणीय दादा शांति जी दुपान की पावन उपस्थिति, सुनील जी समैया और मेरे बड़े भाई साहब राकेश जी कौशिक की उपस्थिति में मैं आप लोगों को हंसाने का प्रयास करना चाहता हूँ। भाई साहब बता रहे थे कि माइक के पास में ईंटे हैं, भाई साहब वो सारी जुगाड़ के लिए है। अगर माइक छोटा पड़े तो माइक के नीचे फंसाओ, और कभी छोटा पड़े तो कभी के नीचे फंसाओ। मेंटेनेंस बनाना पड़ता है भाई साहब, कोई बात नहीं। बिल्कुल भाई साहब आशीर्वाद आपका। आदरणीय विष्णु जी विश्वास कह रहे थे कि मैं दो बार पहले भी निम्बाहेड़ा में आया हूँ। मैंने कि भाई साहब इसका मतलब आज आपका तीसरा है। हाँ ये चलेगा, सारा काम बहुत शानदार चलेगा साहब। इधर के लोग ताजा बजा रहे, इधर वाले ताजा नहीं बजा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी माता बहने बिल्कुल ताजा नहीं बजा रही है। आपको एक उपाय बताता हूँ मैं, आप अपने हाथ को ऐसे खोलिए और इस हाथ में अपने पति के गाल का आभास कीजिए कि ये मेरे पति का गाल है, ये सोच करके ताली बजाओ, जल्दी बजेगी। बहुत अच्छे साहब बजेगी साहब, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आ गए हैं साहब। अच्छा साहब, मैंने आते एक बच्चे से पूछ लिया निम्बाहेड़ा में, मैंने कि बेटा तेरा नाम क्या है, बोले मोहन। मैंने कि पीछे क्या लगाता है, बोले खोपरा का तेल लगाता हूँ। ऐसा बच्चा यहाँ पे। अरे मैंने कि बेटा पढ़ा लिखा है, बोले हाँ हूँ। मैंने कि कहाँ तक पढ़ा है, बोले छेटी में पढ़ता हूँ। मैंने कि बेटा हिंदी जानता है, बोले हाँ जानता हूँ। मैंने कि एक बात बता बेटा, लड़की में कौन सी की मात्रा लगती है, बोले बेटा लड़की दिखाओ। अरे मैंने कि ऐसा क्यों, बोले लड़की छोटी रही तो छोटी की मात्रा और बड़ी रही तो बड़ी की मात्रा। मैं पढ़ाता हूँ साहब एक स्कूल में, एक बच्चा मेरे स्कूल में चाकू लेकर के आ गया। अरे मैंने की बेवकूफ तू चाकू लेकर के आ गया, बोले गुरुजी गरीब आदमी है, बंदूका कहाँ से लाऊंगा। ये बच्चे साहब लीजिएगा, मैं पेरोडी के माध्यम से आपको रिझाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। भगवान गणेश जी की पावन उपस्थिति है मित्रों, मैं पेरोडी के माध्यम से आपके बीच में कुछ काव्य पाठ करना चाहता हूँ। लीजिएगा, जुड़िएगा मेरे काव्य पाठ से, उसके बाद हम तमाम देश के जो बड़े कवि उनसे जुड़ेंगे। हाँ भाई साहब थैंक यू। कि सचिन तेंदुलकर ने शतक लगा के सो स्पोर्ट को बता दिया कि खेल किसे कहते हैं। वावा करो, ये वावा करो, बाबा रामदेव जी कहते हैं कि करने से होता है, करो वावा करो, करनी पड़ती है। कि सचिन तेंदुलकर ने शतक लगा के सो स्पोर्ट को बता दिया कि खेल किसे कहते हैं। राहुल जी ने राजनीति में खुद को ही पीट कर केंद्र को बता दिया कि फेल किसे कहते हैं। राजनीतिक बातें क्या करें साहब, हमारे राहुल गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता हैं साहब। पिछले दिनों निम्बाहेड़े से गुजर करके साहब चित्तौड़ जा रहे थे, चित्तौड़ में उनका एक भाषण हुआ। भाषण में कहा कि निम्बाहेड़ा में इतनी गरीबी है कि निम्बाहेड़ा के लोग कोयला खा रहे हैं। वो एक छोटा खड़ा हुआ, उसने कहा कि राहुल जी वो कोयला नहीं थे, वो सिंगाड़े थे। ये इस तरह राजनीति का कहना चाहता हूँ, जुड़िएगा मेरे बाद देश के सारे बड़े कवि साहब, मैं सबसे छोटा कवि हूँ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। कि सचिन तेंदुलकर ने शतक लगा के सो स्पोर्ट को बता दिया कि खेल किसे कहते हैं। राहुल जी ने राजनीति में खुद को ही पीट कर केंद्र को बता दिया कि फेल किसे कहते हैं। सुरेश प्रभु ने रेल उलटी पुलटी कर रेल को बता दिया कि रेल किसे कहते हैं। और देश के बाबाओं ने तुष्टिकांड करके भक्तों को बता दिया कि जेल किसे कहते हैं। भक्तों को बता दिया कि जेल किसे कहते हैं। ताकि रे बाबा तो निकला डाकी। ताकि रे बाबा तो निकला डाकी। डेरे में ताक दिन हो गया और क्या रह गया बाकी। ताकि रे बाबा तो निकला डाकी। साहब सारे बाबा ऐसे नहीं, लेकिन एक दो बाबा ऐसे हैं, अपने आसाराम बापू जी बहुत फेमस है सभी के। अच्छा साहब उन्होंने दुष्कर्म किया तो जज साहब के सामने गए। जज साहब ने कहा कि बाबा आप तो हिंदू धर्म का इतने बड़े प्रचारक थे, आपने ऐसा क्यों किया। जज साहब बाबा से
प्रश्न पूछकर बाबा जवाब देते कि मैंने ऐसा क्यों किया। जिस साहब कहते हैं कि देश के ये बाबा कैसे दुष्ट कांड में फंसे हैं, ऐसे फंसने की तो गारंटी थी, हर बाबा की वारंटी थी, हर रोज ही तो बाबाओं की बोल रही खुल, और जैसा बोले बाबा से कैसे हुई भूल, कैसे हुई भूल बाबा, कैसे हुई भूल, तो बाबा बोले ए लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। अच्छा साहब, पहले तो ये बाबा हमारे देश के साहब, हम सभी लोगों को अंधेरे में रख रखा था, इन लोगों ने बड़ी बड़ी गुफाओं में रहा करते थे साहब, लेकिन आजकल एक या दो बाबा जेल में पड़े हुए साहब, पहले वो भजन गाते थे, आजकल जेल में पड़े पड़े वो क्या गा रहे हैं सुनना, भजन का रूप किस प्रकार परिवर्तित हुआ। जेल में पड़े पड़े गाते हैं, मुझे नींद ना आए ओ, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई हनीप्रीत पास ले आए, न जाने कहाँ डेरा खो गया, दिल में बेटा हो गया, न जाने कहाँ डेरा खो गया, जेल में बेटा हो गया। लेकिन साहब ये बाबा एक या दो बाबा ऐसे, बाकी हमारे हिंदू धर्म के सारे बाबा, वो चाहे मुरारी बापू दादा ने कहा था, सभी हम हमारा मार्गदर्शन करते, हम कुछ कर पाते हैं। जहाँ मेरे युवा दोस्त यहाँ पे खड़े हुए सारे के सारे अलग मोहल्ला बना करके, साहब युवाओं की हालत बिल्कुल खराब है साहब, यहाँ के युवा बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन देश के युवाओं की हालत इतनी बिगड़ी हुई है साहब, बेचारों को लड़कियां किस प्रकार बेवकूफ बना दी है। मैं सही बताता हूँ, हंसाने का काम हम सब करते हैं, क्योंकि कहा है किसी कवि ने कि जो हंसाता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि वो जहां कहीं भी जाता है वही स्वर्ग बना देता है। हम सभी आए, ये स्वर्ग बन गया, और आप सारे स्वर्गवासी यहाँ भी ध्यान दिया करो आप। तो साहब लड़कियां किस प्रकार बेवकूफ बनाती है, डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका रे 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 रे, डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका रे 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 रे, 12 महीने में 12 तरीके से तुझसे बैलेंस डलवाऊंगी रे, डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका रे 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 रे, बैलेंस काड़ू से डलवाऊंगी पर फोने बालू के लगाऊंगी रे, डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका रे 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 रे। हमारे बीच अभी विद्या जी आई थी साहब, ये मंदसौर से आती है, लेकिन साहब ये प्रॉपर यूपी से है, वहां योगी जी ने प्यार मोहब्बत पर पाबंदी लगा दी, तो आजकल ये एमपी में रह रही है। ये प्यार मोहब्बत के गीत पढ़ती है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं प्यार मोहब्बत को पढ़ने से ज्यादा करने में विश्वास रखता हूँ। हाँ, तो काम चलेगा, ऐसे होगा साहब, अच्छा करे साहब, लेकिन ये शुक्रिया मेरे दोस्त, नहीं नहीं बहुत सब छोड़े तुम्हारे माचने की, बिल्कुल भाई साहब, मैं झालावाड़ लेके जाऊंगा उनको, भाई साहब बैठे हुए देखो आप, आप सोच रहे होंगे अच्छा साहब मैं कुमारों की बात कर रहा था, प्यार मोहब्बत की बात कर रही है, हमारे गांव में किस प्रकार का प्यार होता है साहब देखना, यहाँ होता होगा मीरा का कृष्णा का प्यार हमारे द्वापर युग में, लेकिन गांव में कैसा प्यार होता है सोना हास्य के माध्यम से, गांव में किस प्रकार से प्यार में कॉन्टेक्ट होते हैं देखना और मजे लेना कि ओ दूर पवन से, गांव में ममती कब दूर पवन से, पवनों कब दूर सुगन से, सुगनी कब दूर छगन से, छगनों कब दूर सोहन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, कलयुग में ऐसा ही संगम है। और साहब अपनी सगी पत्नी पति से कह रही है दूसरे मर्द को देखते हुए कि पति मेरा परमेश्वर पर देख तुझे जी लूंगी, मैं तो तेरे खातिर पति को जहर दे दूंगी, मेरे पावन चरणों में पायल बंधवा देना तू, ले जाके मुझको बाजार में थोड़ी चाट खिला देना तू, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, कलयुग में ऐसा ही संगम है। अच्छा साहब बहुत बढ़िया, धन्यवाद, ये कुमारों की बात रही साहब, मेरे बड़े भाई साहब राकेश जी कौशिक मंच का संचालन कर रहे हैं साहब, लेकिन घर पर इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है भाई साहब,
मैं सच बताता हूँ आपको, धार में रहते कि चला गया मैं अचानक घर, भाई साहब आ रहे बिल्कुल मासूम सा चेहरा लिए। मैंने कि भाई साहब क्या हुआ, बोले तेरी भाभी ने मारा यार। मैंने कि भाई साहब हुआ क्या, बोले सिर्फ इतना हुआ कि मेरे पसंद की सब्जी टमाटर की मैं लेकर के घर गया, लेकिन तेरी पत्नी को सब्जी, मेरी तेरी भाभी को सब्जी पसंद है मूढ़ा की। आप जान दो मूढ़ा जो मूढ़ा खाते हैं मूढ़ी। मैंने कि फिर क्या हुआ, बोले मैं टमाटर की सब्जी ले गया और तेरी भाभी को गुस्सा आया कि इतनी महंगी सब्जी लेकर आए हो, मुझे मूढ़ा की सब्जी पसंद है, मूढ़ा क्यों नहीं लाए हो। इतनी सी बात हुई। मैंने कि भाई साहब बताओ हुआ क्या। भाई साहब बता रहे कि लाया टमाटर में एक दिन महंगा, तो पत्नी बोली ये क्या लाए, यूं ही गरीबी है सब्जी ये महंगी है कैसे खाएं। अरे बोली मुंह फुला के बेलन लेके और कहा 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 मुड़ाला 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 मुड़ाला। ताली नहीं बजाओगे सुबह 4 बजे तक, मुड़ाला मुड़ाला ये चलेगा। हाँ, ये हर घर पे ऐसा होता है साहब। अच्छा साहब टीम बहुत लंबी है, मुझे बढ़िया आपका आशीर्वाद मिल रहा है यहाँ पे सारे लोग। अच्छा साहब अभी नारा 370 रखी साहब, हम किसी राजनीतिक पार्टी के बिल्कुल नहीं है साहब, ना तो हम बीजेपी के आदमी हैं, ना मैं बीजेपी का आदमी हूँ, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, ना मैं मायावती का आदमी हूँ, अपन किसी के आदमी नहीं साहब। लेकिन बड़े कवियों ने यह कहा है कि राजेश राजनीति पर कविता लिखो पर राजनीति के लिए कविता मत लिखो। तब मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी ने 370 हटाया साहब, उनके सम्मान में एक बात कहना चाहता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत कि मेरे मोदी पीएम आप सबको समर्पित दादा शांति तूफान जी के श्री चरणों में, कि मेरे मोदी पीएम प्रिय दामोदरम, प्रिय नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी, मेरे मोदी पीएम प्रिय दामोदरम, धारा 70 हटाई मैं जा आ गया, मेरे मोदी पीएम प्रिय दामोदरम, धारा 70 हटाई मैं जा आ गया, काम भी हो गया नाम भी हो गया, तूने कश्मीर छुड़ाया मैं जा आ गया, मेरे मोदी पीएम मोदी और महबूबा रूबरू आ गए, पर हमारे पीएम वर्ल्ड में छा गए, पर हमारे पीएम वर्ल्ड में छा गए, सारे गद्दारों को वो दबोचे हुए, ऐसे छाए कि सच में मजा आ गया, मेरे मोदी पीएम प्रिय दामोदर में, धारा 70 हटाई मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद।